पता है रिक्शा वाला 400 या 500 मीटर दूरी चलने के लिए कितने रुपये लेता होगा? 10 रुपये लेता होगा। अगर हाफ एन किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता तो 10 रुपये ले लेता है। कुछ रिक्शे वाले 20 रुपये भी ले रहे हैं, 40 रुपये भी ले रहे हैं, अपनी मर्जी से पहुँचाने के लिए वो 50 रुपये भी ले, यहाँ तक कि 100 रुपये भी ले रहे हैं वो। पन्नू मेरा रोम रोम, मैं हूँ आपका भाई पन्नू देसी दिल्ली से, और आज मैं बात करूँगा ई रिक्शा, जो कि लॉकडाउन के दौरान ई रिक्शा वाले मजबूरी में 10 से लेकर 100 रुपये तक का किराया ले रहे हैं। 10 की तो बात ही मत करो, 50 से 100 के बीच में किराया ले रहे हैं। मैं आपको इसी के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो कुछ जगह ई रिक्शा वाले ड्राइवर बहुत ज़्यादा पैसा वसूलते नज़र आए सवारियों से अपनी मर्ज़ी से, और इसी के साथ सबसे ज़्यादा नॉर्थ दिल्ली में सबसे ज़्यादा ई रिक्शा वाले पैसा वसूलते नज़र आए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उनको समझाया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ई रिक्शा में और ऑटो में एक सवारी बैठने की अनुमति दी है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आया था। ई रिक्शा में बैठने की अनुमति सिर्फ एक सवारी को है। अगर जिस हिसाब से सवारी यानी कि रिक्शे वाला इतनी कड़ी धूप में भूखा प्यासा, और अगर वो ई रिक्शा लेकर जाता है इस हिसाब से कि वो एक सवारी दो सवारी दिन में अगर वो 10 सवारी भी उठाता तो कितने रुपये का? 100 रुपये हो गए। इस हिसाब से क्या उसका घर चल सकता है? मुझे नहीं लगता। एक गरीब का पेट पलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े लोग जो होते हैं वो अपना कहीं ना कहीं से अपना वो कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, मगर जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है इस चीज़ की कि वो अपना खाना अपना घर अपना कैसे चलाएं। एक ई रिक्शा सरकार उसको 10 रुपये में सरकार उसको एक सवारी बैठने की अनुमति दे रही है और वो एक सवारी से 10 रुपये लेता है। अगर वो ईमानदार ई रिक्शा वाला है तो एक सवारी बिठाएगा ना कि 4 सवारी बिठाएगा। 4 सवारी वाला तिकड़मबाजी करके इधर उधर करके वो अपना घर चला लेगा, मगर एक सवारी वाला कहाँ जाएगा? क्या 100 रुपये में अगर वो ईमानदारी से कमाता 100 रुपये में उसका घर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो इस हिसाब से ई रिक्शा वाले अपनी जान पूछकर मनमाजी करते हुए 50 रुपये भी ले रहे हैं, 100 रुपये भी ले रहे हैं, और जो देने वाले हैं कस्टमर वो भी बेचारे देंगे वो भी मजबूर हैं क्योंकि उनको देना है, क्योंकि लॉकडाउन में ऑटो आ नहीं सकते गलियों में। इस हिसाब से बहुत सारी परेशानी है, जो सवारियों को है परेशानी, उनको किसी तरीके से रिक्शा नहीं मिलता, किसी तरीके से ऑटो नहीं मिलता, तो वो दुगनी रकम देने को तैयार हैं और इस हिसाब से ऑटो वाला या फिर रिक्शे वाला ले लेता है। ठीक है, पहला इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि इसमें ऑटो वाले या फिर रिक्शा वाले अपनी एक कीमती यानी कि एक कीमत तय करें जिस हिसाब से इनको या फिर सवारी को परेशानी ना हो। और इसमें दूसरी बात यह है कि सरकार को इसमें एक रूल्स नया बना देना चाहिए, क्योंकि गाइड इसमें जो है रिक्शे वाले अपनी मनमर्जी से रिक्शे का किराया वसूल रहे हैं और कुछ लोग ईमानदारी से कमा रहे तो भूखे रह रहे हैं, क्योंकि एक रिक्शे वाला 100-200 रुपये में घर नहीं चला सकता भाई, नहीं चला सकता। सवारी 20 रुपये भी दे रही है, 50 रुपये भी दे रही है इस हिसाब से, अब आराम से मजे में जो ईमानदार बेचारा वो भूखा मर रहा है। तो कुछ ई रिक्शे वालों का कहना ये भी है कि सरकार को थोड़ी छूट दे देनी चाहिए इस मसले में। खाली ऑटो की अगर मैं बात करूँ ना, ऑटो में ज़्यादा स्पेस नहीं होता जिस हिसाब से ई रिक्शा में होता है। ई रिक्शा अगर आमने सामने एक सवारी बैठेगी तो भी बहुत बेटर है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार रूल नहीं बनाएगी 2 सवारी बैठेंगी, 3 सवारी बैठेंगी, 4 भी बैठेंगी, ऐसे रूल फॉलो नहीं होगा। वो बेचारे मजबूर है, वो नहीं कर पाएंगे ना। इस हिसाब से आप लोग बताओ, मेरे जितने भी भाई हैं यूट्यूब पे, आप बताओ कमेंट करके कि इसमें इस मसले में कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिक्शे वाले मनमानी करेंगे, वो मजबूर हैं, वो किसी से ये नहीं कह रहे कि आप हमें 100 रुपये दो, वो भी बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उनका 10 रुपये में भला नहीं होगा। जो लोग 5 सवारी लेकर जाते हैं ना, उनका भला हो सकता है क्योंकि वो लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इस हिसाब से पुलिस प्रशासन को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग, चोरी के रास्ते से उधर उधर ले आके वो सवारियों को ले आकर इधर तिकड़मबाजी करके लेकर चले आते हैं। जो बेचारा एक सवारी लेकर जा रहा है उसका क्या, मुझे तो 10 रुपये मिलेंगे। वो अपने हिसाब से एक नंबर की कमाई कर रहा है, 2 नंबर की उसके वो तो करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको सरकार के रूल फॉलो करना है ना। गरीब लोग सबसे पहले हैं, सरकार भी जानती है, क्योंकि सरकार सबसे पहले गरीब की मदद करती है और गरीब से ही देश चलता है। गरीब मजदूर जो लोग होते हैं उनसे देश कर श्रमिक लोग होते हैं उनसे देश चलता है, उनसे ही व्यापार होता है, इनसे ही तो देश आगे बढ़ता है, अर्थव्यवस्था और इनसे इंक्रीज होती है भाई।